राम आश्रय केयर फाउंडेशन द्वारा एक और पनप्याऊ का उद्घाटन किया गया। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे राम आश्रय केयर फाउंडेशन ट्रस्ट की टीम भी लगातार लोगों को इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लगातार शीतल जल प्याऊ की व्यवस्था में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व भी राम आश्रय केयर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा कहरी मोड़ पर पनप्याऊ का उद्घाटन किया गया था और गुरुवार को फिर से कावेरी विहार देश बन शमशाबाद रोड पर पूर्ण विधि विधान के साथ एक और पनप्याऊ की शुरुआत की गई। इस दौरान डॉक्टर शमीर शर्मा, राजीव जैन, दिनेश पुरी गोस्वामी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आज समाज सेवी देवेश्वर अध्यक्ष द्वारा जो है एक बार फिर से पनप्याऊ का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना है? और यही कहना है, देवेश भाई साहब पिछले कई वर्षों से लोगों को के हितों में काम करते हुए आ रहे हैं। हर साल यहाँ प्याऊ का अरेंजमेंट किया जाता है। इस बार तो दो तीन जगह पे और भी प्याऊ का अरेंजमेंट देवेश भाई साहब ने किया है। जैसा हम जानते हैं और कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। हमेशा जल को ही इतने महत्व की इसलिए दी जाती है क्योंकि खाने के बिना तो आप हफ्ते 10-15 दिन रह भी सकते हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, भीषण गर्मी है, कितना आवश्यक होता है ऐसे में शीतल जल? शीतल जल सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इस समय कितनी गर्मी है, इंसानों को, पशु पक्षियों को, हर किसी को जल की आवश्यकता है और इस समय में ऐसा कार्य करना बहुत पुण्य का काम है। और ये समझ लीजिए कि पानी पिलाना एक आत्मा को तृप्ति देता है, शरीर को तृप्ति देता है। और देवेश भाई साहब का साधुवाद जो, और बाकी सब राजीव जैन सब भाई सब लोग खड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रोग्राम किया और आगे भी करते रहें, यही चाहता हूँ मैं। उपाध्याय जी, आज राम आश्रय केयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर पनप्याऊ का उद्घाटन हुआ है और इससे पहले भी कहरी मोड़ पर हुआ, तो कैसे जहन में आया, कैसे विचार आया कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? आज राम आश्रय केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में हमारे धर्मार्थ लोगों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से और आम जनता के सहयोग से ये पनप्याऊ जल सेवा संचालित की गई है। गर्मी के बढ़ते मौसम को देखते हुए, प्रभाव को देखते हुए, आज से कुछ समय पहले बरौली अहीर से लेकर राजपुर चुंगी तक कई जगह पानी की पीने की व्यवस्था होती थी, पानी की टंकियां, हेडपम्प, लेकिन आज के समय में पानी का TDS इतना बड़ा हुआ है कि वो पीने योग्य ना होने के कारण पीने के लिए पानी नहीं है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भागीरथ लोग हैं जो एक गंगा मैया को धरती पर लेके आए थे, आज ये सब लोग भी भागीरथ हैं जिन्होंने इस सेवा को संचालित किया है और आगे चलाने के लिए संकल्प लिया है। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ इस ट्रस्ट के माध्यम से इस सेवा को आगे बरकरार रखने के लिए। विगत कई सालों से हमारा सहयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से ये सेवा चल रही है। इसी तरीके से अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि मुझे गर्मी के मौसम में एक घड़ा शीतल जल पिलाना है, तो शायद मैं मानता हूँ। इस शमशाबाद रोड की बात क्या, आगरा जिले के अंदर कोई भी चौराहा, कोई भी त्राया खाली नहीं रहेगा जहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या? ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य, मैं, मुझे सरकार की तरफ से एक नेक आदमी गुड समेरिटन घोषित किया गया है, उस उद्देश्य को, उस पहल को आगे बरकरार रखते हुए ट्रस्ट के माध्यम से नेक कार्य करने के लिए मैं अपने शरीर से आजीवन खड़ा रहूँगा। लोग सहयोग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, एक इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है कि मुझे बनाया, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से ये सेवा चलती रहे, ट्रस्ट सामाजिक कार्य करता रहे, जो भी मेरे से जो बन सके उसके लिए मुझे बताएं, जितना मुझसे होगा उसको करने के लिए तैयार रहूँ। राम आश्रय केयर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा श्री देवेश उपाध्याय जी ने हर वर्ष की बात इस साल भी प्याऊ का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी साथियों का उसमें सहयोग होता है और इस बार भी उन्होंने ये मौका हम लोगों को भी दिया है। बहुत ही बढ़िया कार्य है, हमेशा करते रहे हैं, ईश्वर ने इसी तरह की कार्य करने की हमेशा ऐसी दे रहे हैं और ये सब लोगों को साथ लेते हुए समाज हित में, मनुष्य हित में और प्राणी हित में इस तरह के कार्य करते रहें। उसके लिए रोड की बात करें तो लगातार टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में कहीं भी शमशाबाद रोड पर पनप्याऊ की अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे में समाजसेवी देवेश आगे आए, तो क्या कुछ उनके लिए कहेंगे? हाँ देवेश जी,
एक समाजसेवी व्यक्ति हैं और हमेशा समाज हित में जो भी कार्य होता है उसमें लगातार ये लगे रहते हैं। इस साल भी उन्होंने उसी तरह का ये कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहें, ऐसे ही हम लोगों को साथ लेते रहें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवी जी द्वारा एक बार फिर से पनप्याऊ लगाया गया है, उसका शुरुआत हुआ है, तो क्या कहना है इसको लेकर? आज राम आश्रय फाउंडेशन के द्वारा शीतल जल, निःशुल्क शुद्ध घड़े का जल यहाँ शमशाबा रोड स्थित प्याऊ का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें डॉक्टर समीर जी, राजीव जैन और मेरे छोटे भाई दिनेश पुरी जी के सहयोग से अवधेश उपाध्याय जी के द्वारा यह निःशुल्क ये सेवा दी जा रही है। मैंने सुना है विगत कई वर्षों से यह निःशुल्क जल सेवा ये अवधेश उपाध्याय जी एवं दिनेश पुरी जी, देवेश उपाध्याय जी एवं दिनेश पुरी जी के माध्यम से यह सेवा दी जा रही है। और बड़ी खुशी हुई यहाँ जानकर कि देवेश उपाध्याय जी भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है, तो बड़ी खुशी होती है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे समाजसेवी हैं तो हमें गर्व का विषय है। और भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोगों से, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाई का साथ दें और इसी के साथ बढ़ चढ़ के प्याऊ लगाए जाएँ, क्योंकि आगरा में आप देख रहे होंगे गर्मी का माहौल ज़्यादा है और पानी भी यहाँ खारा हो चुका है, तो इसलिए लोग जैसे रिक्शा चालक हैं, साइकिल चालक हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। कई शहरों में तो ऐसा है हेडपम्प के द्वारा माध्यम से उनको पानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ हेडपम्प की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुकी है। तो ऐसे लोगों को याद किया जाता है जिनके द्वारा जल सेवा प्याऊ लगाई जा रहे हैं, तो ये बहुत पुनीत कार्य है, सभी उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।